तो अगर आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट ही कर दिया तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपको कनाडा जाना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा रिसर्च करना। रिसर्च करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पहले अपनी रिसर्च करनी है कि कौन कौन से कॉलेजेस किस लोकेशन पे हैं, उसकी फीस कितनी है, वो जो प्रोग्राम अवेलेबल है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप इसलिए हो जाता है क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करती है कॉलेज की, एंड आप ये नहीं चाहते हो कि आप कनाडा जाओ, इतना पैसा भरो और फिर आपको ऐसी कॉलेज मिले जो बहुत दूर है एंड आसपास में कोई ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल भी नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप ये बोलूँगा कि रिसर्च करो, गूगल पे जाके कॉलेज टाइप करो, उसकी लोकेशन ढूंढो, गूगल मैप्स में जाओ, वो कितना दूर है टोरंटो से वो देखो। अगर आपको ओंटारियो में जाना है, अगर आपको ब्रिटिश कोलंबिया में जाना है तो वैंकूवर से कितना दूर है कॉलेज या कितनी टाइम लगेगा आपको ट्रैवल करने में, वो चेक करो। तो अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप कर ही लिया है तो सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करनी। तो मेरा एक सेफर ऑप्शन ये था कि मैं एटलीस्ट दो कॉलेज में अप्लाई करूँ, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। जब हम लोग सिर्फ एक कॉलेज को डिसाइड करके जाते हैं तो उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर रिजेक्शन हो गया तो अगले कॉलेज का ऑफ लेटर आने के लिए टाइम बहुत लग जाएगा एंड कोई केसेस में आपका इनटेक भी जा सकता है। जो स्टेप थ्री है वो है प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। तो कनाडा जाने के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जैसे आईएलटीएस है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो नॉन नेटिव स्पीकर्स को देना पड़ता है। तो अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो आपको आईएलटीएस देना ज़रूरी है, चाहे आपने ट्वेल्थ में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है या कोई स्टेट बोर्ड से भी पढ़ाई की होगी, आईएलटीएस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना है मास्टर्स के लिए तो जीमैट इम्पॉर्टेंट होगा। जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पर वो है फाइनेंस करना आपके स्टडीज को। ये एक क्रूशल स्टेप इसलिए है क्योंकि अगर आपने अपना मन बना भी लिया है कनाडा जाने का लेकिन आपके पास वो फंड अवेलेबल ही नहीं है तो आप कनाडा नहीं जा पाओगे। फंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कॉलेज चुनने में, लोकेशन में। जो स्टेप फाइव आ जाता है अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। अब आपने कॉलेज चुन ही लिया है, आपने आईएलटीएस भी दे दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे हैं, आपके ट्रांसक्रिप्ट रेडी है, तो आप उस कॉलेज में अप्लाई कर दो एंड वेट करो अपने ऑफर लेटर आने के लिए। स्टेप सिक्स है कंफर्म कर एडमिशन। अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं तो आप डिसाइड करो कौन से कॉलेज में जाना है। अगर एक कॉलेज की लोकेशन ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पर जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो कॉलेज आप डेफिनेटली चूज़ करना। आपका ये डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपके फ्यूचर पे, तो बहुत ध्यान से कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है वो डिसाइड करना। स्टेप सेवन है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने ये सब स्टेप कर लिया है तो अभी आप सिर्फ एक स्टेप, आपने फीस भी भर दिया है, आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है, आपका मेडिकल्स हो चुका है, आपका बायोमेट्रिक्स हो चुका है, तो अभी आपका स्टूडेंट वीजा आएगा। स्टूडेंट वीज़ा आने के बाद आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हो एंड अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो कनाडा की। ऑल द बेस्ट आपकी कनाडा जर्नी के लिए।